Hey guys, assalamu alaikum. Welcome back to the channel. This is Samir and you are watching MSQ Vlog. So guys, हम लोग हैं डोरा गोट फार्म पे और आज हम लोग एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने जा रहे हैं कि दवाइयों से रिलेटेड ये वीडियो होगी और यहाँ पे इस फार्म के ऊपर जो यूज़ की गई है, अभी भी यूज़ हो रही है और जिसका रिजल्ट सामने दिखाई दे रहा है, उसके बाद हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों की भी हेल्प होए, कोई नए फार्मर आने वाले उनकी हेल्प होए और जो अभी किसी चीज़ की परेशानी से गुजर रहे, बीमारी से बकरों के अंदर या जो भी अपने पेट से उनकी बीमारियों से गुजर रहे, उनकी हेल्प हो जाए, ठीक है। सो ये वीडियो को पूरा देखेगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले। शूट की रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा, मेल या डीएम करके आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर नदीम भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर होगा, आप लोग इनसे भी मेरा नंबर ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम समीर भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बोलते भाई? थोड़ा लेट हो गए क्या, तुम मेडिकल चालू करके बैठे? नहीं, कैसा समीर भाई, देखो हर चीज अपन बता रहे, अपना एक फार्म है, अपन बोलते हैं जरूरी है, प्रोफेशनल फार्म है, प्रोफेशनल फार्म है, तो प्रोफेशनल फार्म पे बहुत सारी चीजें होती है ना, सिर्फ बकरे की सेलिंग की वीडियो, रिजल्ट, पलाई, ये सारी चीज के साथ में ये भी तो इम्पोर्टेंट पार्ट, बहुत जरूरी है। तो अपन सोचे की आज ये भी एक कंटेंट बना देते, ठीक है ना। और मैं समझता हूँ पलाई, रिजल्ट, ट्रेडिंग, ये कहीं ना कहीं इसी से कनेक्टेड है। हाँ। अगर ये है तो जानवर फिट एंड फाइन है और अच्छे तैयार होंगे, सेल होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। समीर भाई कैसा है आज, मतलब मान लो ना आप 70% जानवर अपने पास बॉम्बे के बाहर से आते हैं। हाँ। तो इसमें बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो बाहर से जानवर जो आते हैं उनको अपन लोग यूज कर सकते हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियां लेके आते हैं, तो उनके लिए बहुत बेस्ट चीजें है। तो इंशाल्लाह अपन लोग ये वीडियो में बहुत से लोगों को मतलब हेल्प करेंगे, सारी चीज करेंगे। और हमारे साथ अशरफ भाई भी बैठे हैं, अगवान गोट फार्म के ओनर, इनको इसीलिए बोला गया है वीडियो के अंदर बैठने के लिए क्योंकि इनका ट्रेडिंग का काम है और नदीम भाई जो है पलाई का काम कर रहे हैं। ये केबीसी वाला काम करने आए भाई, ये सवाल करके चार कुछ सवाल अगर मेल से मिस हो जाएंगे तो अशरफ भाई करेंगे। और एक्चुअली मैं एक यूट्यूबर है, एक ट्रेडर है और एक फार्म ओनर है जो पलाई का काम कर रहे हैं। तो सारे लोग एक अलग अलग कॉन्सेप्ट के लोग हैं लेकिन फील्ड सेम है ना, तो उस तरीके से मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, उस हिसाब से जवाब भी लेंगे हम लोग। कैसा प्रोडक्ट दिखा रहे तो उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सर नदीम भाई, आपके बाजू में तो येलो शर्ट में जो भाई बैठे हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रशांत सर। ओके। ना ये प्रोटेक्ट जो कंपनी के अभी हम लोग ये प्रोडक्ट्स बता रहे हैं ये वो कंपनी से है। ओके। तो चीजें कैसा है कि मतलब अब जैसे इन्फॉर्मेशन की बात की है तो डायरेक्ट कंपनी के बंदे को बिठा के बात कर रहे हैं अपन, अच्छा, ताकि वो प्रॉपर चीजें गाइड कर सके लोगों को। ओके। क्या एक एक चीज में, क्या क्या एक एक प्रोडक्ट में कंटेंट अवेलेबल है और कितना बेनिफिट करेगा ये। सही। तो आप प्रशांत सर, मुझे जरा आप बताइए कि आपके ये प्रोडक्ट के बारे में शुरुआत किससे करेंगे हम लोग? नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है। मैं अभी प्रोटेक एनिमल हेल्थ में काम करता हूँ। Okay. अपने पास सब फीड सप्लीमेंट में रेंज है, इंजेक्टेबल में रेंज है, और सबसे बढ़िया हमारा जो प्रोडक्ट है जो मार्केट में नया आया है, वेटरनरी इंडस्ट्री में हमने नया इंट्रोड्यूस किया है, ऐसा एक प्रोडक्ट है जो है ये रेडी पावर। मार्केट में इसके जैसा प्रोडक्ट अभी किसी भी कंपनी के पास नहीं है। ये आप कैसे बोल सकते हो? क्योंकि इसमें हमने जो इंग्रेडिएंट्स डाले वो अभी तो फिलहाल किसी भी कंपनी के पास नहीं है। Okay. ना ही किसी ने बनाया है, ना ही किसी के दिमाग में ऐसा आया है कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाए। नहीं, इनका बोलने का, मैं थोड़ा सा इनको रोकूंगा, इनका बोलने का मतलब ये है समीर भाई कि इसमें जो इंग्रेडिएंट दिए हुए अलग अलग प्रोडक्ट्स के हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो चार पार्ट की चीजों को उनने एक में ही डाल के दिया है ताकि वो बेनिफिट ज्यादा करे। ओके। पोस्टिंग वाइज भी। ओके ओके ओके, सही। जैसे मैं अभी आपको इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ। सबसे पहले हमने डाला इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, फिर डाला हमने मेलाटोनिन, जो मेलाटोनिन हार्मोन डाला है, फिर डाले हर्ब्स और विटामिन मिनरल्स। ये सब आप चीज मार्केट में अलग अलग परचेस करोगे तो फार्मर को ये जाता है 1200 से 1500 तक। अच्छा। हाँ, तो मतलब इतना महंगा हो जाता है, अलग अलग खरीदेंगे। हाँ। ये कितने का हो रहा है? ये हो रहा है अपना MRP 340 रुपये। 340 रुपये सिर्फ। हाँ।
और ये का मतलब क्या लिक्विड फॉर्म में है, कैसा है ये? जेल फॉर्म में आता है। जेल फॉर्म में आता है, तो इसको कैसे पानी के साथ देना पड़ता है, कैसा करना पड़ता है? ये आप पानी के साथ भी दे सकते हैं या फीड में भी डाल के खिला सकते हैं। फीड में मिक्स करके, जैसे कोई भी जेली फीड में मिक्स होगा ये, तो अगर जेल फॉर्म में है तो ओरल भी दे सकते हैं। ज्यादा मतलब मैं तो अपने फॉर्म पे ये डायरेक्ट वैसे ही देता हूँ, इंजेक्शन में डाल के ओरल दे देता हूँ, मेरे को उसमें रिजल्ट मिलता है। अच्छा, इसका ये यूज करने से क्या प्रोग्रेस दिखेगी जानवरों के अंदर, क्या काम करता है ये? अभी ये रेडी पावर जो है, जो हर एक स्ट्रेस लेवल में काम करता है, जो भी जानवर के ऊपर स्ट्रेस रहेगा वो स्ट्रेस कम करने का काम ये रेडी पावर। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग करके बकरा आ रहा है, बराबर वो स्ट्रेस में आता है, वो स्ट्रेस में आता है, तो वो चीज अगर हम लोग बकरे को उस टाइम पे यूज करते हैं तो बकरा उससे स्ट्रेस फ्री होगा, स्ट्रेस फ्री होता है, दाना चारा अच्छे से खाने लगता है। ओके, अभी जैसे ये समर सीजन है, अभी उसमें पेंटिंग करते हैं जानवर, हाफ्ते उसमें भी ये काम आएगा। ओके, ऐसा है तो ये भूख भूख के काम में भी, जैसे जानवर फील कम उठा रहा है तो आप वो लेवल पे भी मतलब वो केसेस में भी जानवर को दे सकते हो, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कितना दे, कितना एमएल देना पड़ता है, क्या है इसका क्वांटिटी वगैरह? 20 या 25 एमएल में बहुत सफिशिएंट है इसका डोज, एज पर बॉडी वेट 20 या 25 एमएल। छोटा जानवर रहेगा 50 किलो 45 किलो 40 किलो के अंदर, तो आप उसको 15 से 20 एमएल दे दो। 60 70 किलो का जानवर है तो आप उसको 25 से 30 एमएल, जैसे जैसे बॉडी वेट बढ़ते जाएगा आप थोड़े से 5-5 एमएल के डोसेज इसमें बढ़ा दो। सही है। और एक मैं बात बोल दूं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, हाँ, अगर इससे बकरे को कोई फायदा नहीं होगा, अगर इन केस तो इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा? नुकसान तो हरगिज नहीं होगा। ओके। फायदा तो होगा ही पर नुकसान कोई नहीं है। समीर भाई, ये अपन अपने फार्म पे यूज कर रहे हैं, इंशाल्लाह कुछ बकरों की अपने प्रमोशन के पल्ले के बकरों का अपन भी एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसमें जो अपन रिजल्ट बताएंगे ना, वो जानवर जो बताएंगे अपन लोग, तो उसमें रिजल्ट में ये चीज उसमें ऐड है, तो वो भी मैं बकरों में अपने यूज की है, जो अपनी आगे वीडियो बनेगी तो उसमें मैं वो प्रमोट करूंगा, बताऊंगा, क्योंकि मिला है रिजल्ट तो है, और जो है वो कॉस्टिंग वाइज भी अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है, तो बेस्ट है ये। ठीक है अशरफ भाई, ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है मेरे ख्याल से, अगर ट्रेडिंग के वक्त देखा मैंने जो फायदे वगैरह बताए वो भी अच्छे लगे। लेकिन जो इसकी प्राइस की बात करेंगे ना, समय पर 340 रुपए का 300 ml है ये। ठीक है, और इसका डोज जो ये बता रहे 20 से 25 ml है डोज, तो अगर चार डोज देते तो 100 ml हो गया, 10 रुपए का चार डोज जा रहा है, दिन में एक बार देना है। लेकिन अशरफ भाई जैसा है, जो इसकी एमआरपी है, आप कोई भी मतलब जैसे कोई भी फार्मा या किसी के पास से जाते हो, हाँ, तो एमआरपी से थोड़ा कम करो, 340 रुपए एमआरपी, हाँ, तो 340 में नहीं, हाँ, आ रहा है और कम में आ जाता है। ओके, तो ओके। जो लिवर टॉनिक वगैरह काम करती है वो ये काम करता है कि उससे भी थोड़ा अच्छा काम करता है? लिवर टॉनिक एक अलग चीज है, हाँ, ये पूरा अलग है, ये अलग चीज है। अगर बकरे को बुखार है, बकरा थकान में है, अगर गाड़ी से उतरता है तो उसको कितने टाइम बाद देना है ये अपने को? ये आपको अगले दिन देना है, जब गाड़ी में गाड़ी से उतरेगा तो अगले दिन उसको देना है। तो उस 24 घंटे के दौरान जो है उसमें अपन क्या दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर? जैसे इंस्टेंट बकरा उतरते साथ अपने को क्या है? बकरे का एनर्जी लेवल जो रहता है एकदम डाउन हो जाता है, 24 घंटा 36 घंटा ट्रैवलिंग करके आता है, ना उसको पानी मिलता है रास्ते में, ना उसको खाना मिलता है। हम लोग उसको जब उतारते हैं तो एक दो घंटा आराम देने के बाद में उसको पत्ती वगैरह देते हैं। अच्छा, और उसके बाद में एक डेढ़ घंटे बाद में हम लोग पानी देते हैं, तो पानी के अंदर डाल के उसको ये ताबड़तोब उसी दिन दे सकते हैं या फिर उसके लिए कुछ और अपने पास नहीं, उसी दिन दिया तो भी चलेगा? फिर चलेगा ना, वही हाँ, वो भी स्ट्रेस कम करने का मतलब वो ट्रैवलिंग का स्ट्रेस हो या कोई भी, क्योंकि जब प्रशांत सर ने जब वीडियो स्टार्ट की तो उन्होंने बताया इसका नाम है रेडी पावर, तो रेडी पावर का मतलब यही होता है कि तुरंत रेडी, तुरंत रेडी होना चाहिए स्पॉट पावर। हाँ, तो अगर 24 घंटे बाद देंगे तो 24 घंटे के अंदर बकरे की तबीयत खराब हो सकती है, तो उसके पहले अगर देंगे तो मेरे हिसाब से ये अच्छा बेटर है। और ये कंटिन्यू देना है या फिर एक ही दो तीन दिन, जैसे ट्रीटमेंट बेसिस पे दे सकते हैं? तीन से पांच दिन का समीर भाई कोच रहता है, आपको समीर भाई कोई भी प्रोडक्ट लेते हो या इंजेक्शन फॉर्म में ले लो या टॉनिक ले लो लिक्विड ले लो, इधर पे डॉक्टर साहब भी बैठे हुए अच्छे जाने माने डॉक्टर साहब है, और उनको भी पता ही होगा कि 5 से 8 दिन या 3 से 5 दिन का ही डोज होता है हर एक चीज का, 3 दिन तक तो करना है, ज्यादा ओवर भी दोगे तो भी तकलीफ है। ठीक है, तो ये था प्रोडक्ट जो आपका पहला प्रोडक्ट था रेडी पावर, अभी इसके बाद हम लोग कौन सा प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं? दूसरा प्रोडक्ट है हमारा टेक लीव, टेक लीव, हाँ, ये लीवर टॉनिक है अपना।
इसमें डाला है हमने सबसे बढ़िया सिलीमरीन जो आयुर्वेदिक कंटेंट है। आयुर्वेद में आप देखा जाए तो सिलीमरीन एज अ लिवर टॉनिक जैसा काम करता है, सिलीमरीन का पत्ता सेब। और इसके बाद हमने डाला इसमें पुनर्नवा। पुनर्नवा क्या करता है, सेल रिजनरेशन का काम करता है। ओके, हमारे बॉडी में जो सेल जो है, सेल कुछ, है उसको बढ़ाता है। हाँ, कुछ डैमेज हो गए वो सेल, उसका डैमेज रिपेयर करके वो सेल को रिजनरेट करने का काम करता है। नसें खोलता है। ओके ओके ओके, मैंने जड़ हाँ हाँ ये मैंने डालने का ये बेसिकली कैसा ये तकलीफ अपना मतलब एक तुम्हारा भूख बढ़ाने का काम करता ही है। मैंने मैं अभी बताऊं, ये मैंने अभी मैं आप लोगों के यहाँ पे देख रहा हूँ, लेकिन मैंने ऑलरेडी अभी रमज़ान सीरीज में शूट करा था डी गुड फार्म पे, ये प्रोडक्ट मैंने वहाँ भी देखा हूँ। और ये मैं किसी के सामने ऐसा अभी अचानक से मुझे याद आया, शफीक भाई ने इसके बारे में पूछा था ARK गुड फार्म वाले ने कि भाई ये क्या है, तो दानिश भाई ने इसका फीडबैक दिए थे कि भाई ये जो भी है बहुत अच्छी चीज़ है लीवर के लिए। तो मुझे याद आया टेकलीव ये दानिश में डी गोट फार्म पे भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली काम इसका वही है जो हम लोग लिवर टॉनिक देते हैं। लेकिन कैसा इसके अंदर कुछ कंटेंट ऐसे जो दूसरी भी चीज में बेनिफिट करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अपन लोग पैरालिसिस वगैरह में जो न्यूरोकैंड एक्सेल न्यूरोकैंड प्लस का सिरप देते हैं, जैसे इसके अंदर वो भी एक कहीं ना कहीं हल्का सा कंटेंट है जो नसों की ब्लॉकेज को ओपन करने का भी काम करता है। ओके ओके, तो सिर्फ लिवर टॉनिक नहीं है, उसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारी चीज है। लेकिन है अच्छी चीज ये, आपसे मिलने के भी हफ्ते भर पहले मुझे इसका फीडबैक मिला, लगभग 4 अप्रैल की मैं बात करूँ जिस दिन मैं रात में शूट किया शूट पे आया था, तो मुझे ऑलरेडी बाहर से आपका फीडबैक मिल चुका है इस प्रोडक्ट के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिव्यू तो अच्छा ही है। बहुत बढ़िया। और इसके बाद क्या दिखाएंगे? इसके बाद अपना रेड टेक है। ये क्या है? ये हीमोग्लोबिन की जो कमतरता उसको ये पूरी करना है। ओके, अभी इसका काम क्या है, मार्केट में ये बहुत कंपनी का है आपको पता होगा, पर इसमें हमने स्पेशलाइजेशन क्या डाला है, इसमें जो मिनरल्स हमने डाले वो ग्लाइसिन चिलेटेड करके डाले। मार्केट में जो आते हैं चिलेशन के भी कुछ प्रकार होते हैं, एक आता है मिथो चिलेटेड, एक आता है ग्लाइसिन चिलेटेड। ग्लाइसिन चिलेटेड का क्या होता है, जो मिनरल्स बॉडी में जो लगते बॉडी को लगते हैं वो 80-85% बॉडी को लगते हैं, मतलब वेस्टेज कम है इसका, बहुत बढ़िया। और हम ये प्रेग्नेंट बकरी में भी दे सकते हैं। हाँ, ये चीज़ मैं बोलूँगा समीर भाई। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल अपने इधर अपना भी कैसा एक ब्रीडिंग सेटअप छोटा सा है, तो उसमें जैसे बकरी बच्चा देती है तो उसके बाद बकरी होती है बहुत कमजोर, हेमोग्लोबिन की कमी उसको बहुत होती है, तो ये प्रोडक्ट उनके लिए बहुत यूजफुल है। हाँ, बहुत यूजफुल है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसकी क्या MRP होगी? ये समीर भाई है 365 का है 1 लीटर, लेकिन ये MRP है इससे कम में आता है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट में दवा तो हर एक ब्रांड की अलग अलग ब्रांड की मिल रही है। जो कंपनी है प्रोडक्ट के ऊपर कितने परसेंट की छूट देती है? कंपनी एज अ डायरेक्ट फार्मर को नहीं मिलती, जैसे एजेंसी थ्रू मेडिकल और मेडिकल से फार्मर को देते ऐसे हर एक का। ये आपने जो पड़गा के जितने भी मेडिकल्स है, भिवंडी के मेडिकल से, यहाँ पे ये सब जगह पे उपलब्ध, सब जगह पर अवेलेबल है ये। तो ये आपके अगर ये जाते हैं कि प्रशांत सर ने हमको डायरेक्ट भेजा है और हम फर्स्ट टाइम ले रहे कोई आइटम इसमें से, तो कुछ छूट मिलने की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको छूट मिलेगी। हर एक कंपनी अभी जो भी है प्रशांत सर, अपन तो खुल के बात करने वाले लोग है, बराबर हर एक कंपनी 25-30% दे रही है, कोई कंपनी ऐसी जो 35% भी दे रही है, बराबर है। तो कैसा है कि आपके हमारे लिए ये प्रोडक्ट नया है। हाँ, नदीम भाई वापर रहे हैं लेकिन हमने इसमें से कोई भी प्रोडक्ट नहीं वापरा, लगभग एक ही इंजेक्शन मैंने वापरा हूँ। एक बकरी ज्यादा बीमार थी तो इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने ये भेजा था, तो अपने को अच्छा इसका रिजल्ट मिला। हाँ, तो 4-5 डोज मैंने मारा था, अल्हम्दुलिल्लाह बकरी अच्छी हो गई। तो वही के दूसरे कंपनियों से अपने को 2-5% कम में मिलेगा तो अपनी सेलिंग बढ़ेगी। चलो नहीं, ये तो हर किस होएगा। हाँ, तो ये आपको मेडिकल वाले को बोलना है। मेडिकल वाले को मैंने एक्चुअली ऑलरेडी बोल रखा है, ये आपको दिक्कत आएगी नहीं, आपको नहीं, हर एक फार्मर को, ये किसी को भी ये दिक्कत आएगी नहीं। क्योंकि बीच में क्या हो रहा था, एक मेडिकल यहाँ पर बहुत जूना है पड़गा में, वो 10% देने के लिए भी रोता था। अच्छा, फिर हमारा एक भाई ने खोल दिया भिवंडी से इधर पे आके। ओके, अभी वो मैसेज करता है 25-30% ले लो मेरे से। तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ,
बाद में मतलब ऐसा वो डिस्काउंट देने से अच्छा आदत जब पड़ जाती है ना आपके लिवर टॉनिक की, तो हम लोग इसी को यूज करेंगे। बराबर है, आपका वाला जो प्रोडक्ट है पहला वाला रेडी पावर, आदत पड़ गई तो हम रेडी पावर ही वापरेंगे। बराबर है, लोगों के मुंह में कैसा है कि जो कंपनियां पहले से चल रही है उसके नाम मुंह पे है। बिल्कुल सही। हाँ, ये तो सही। आदमी वही बोलता है कि भाई ये दो टाजो मांगेगा तो वो इंटरसेप्ट टाजो उसका ही देगा। बराबर। तो अपने को अगर व्यापार करना है तो अपने को दूसरी कंपनियों से 2-5% कम में और अपनी चीज अच्छी रहे, यही मैं बोलता हूँ। आप कोई भी ब्रांडेड चीज हमारे प्राइस से भी कंपेयर कर लो और रिजल्ट से भी कंपेयर कर लो। सही है। मजा नहीं है। कोई भी समय में नया प्रोडक्ट कब वापरेगा जब उसको सस्ता मिलेगा, सस्ता मिलेगा। और एक्चुअली भाई मार्केट की जो तरीके हैं लॉन्चिंग के जो तरीके और प्रोडक्ट बेचने, तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा ये करना ही पड़ता है। जब आपके लोगों को आपकी आदत हो जाएगी, आपके प्रोडक्ट की आदत हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली लोग पैसा भी देंगे। हाँ, उसके लिए रिजल्ट देगा तो आदमी कोई भी पैसा। हाँ, एक चीज मैं और ऐड करूंगा समीर भाई, इसमें कैसा है कि ये तो चीजें अपन बता दिए कि प्राइस कम होना चाहिए, प्रोडक्ट क्वालिटी होना चाहिए, प्रोडक्ट में रिजल्ट होना चाहिए। इसके अंदर एक चीज हो रही भाई, ये प्रोडक्ट इजीली सब जगह अवेलेबल होना चाहिए। हाँ, ये सबसे मेन बात है। पहला सवाल यही था कि यहाँ के मेडिकलों में अवेलेबल है या नहीं। हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि कभी भी इसमें इमरजेंसी है, इमरजेंसी तो कभी भी आती है। एक आदमी क्या नजदीक से मिलना चाहिए। सही। अब ट्राई करना कि ये नियरेस्ट से नियरेस्ट लोकेशन क्या, अपन लॉन्चिंग कर देंगे, अपन इसका प्रमोशन कर देंगे, लेकिन जब इसकी इंक्वायरी आएगी तो कॉल आएगा नदीम भाई को, नदीम भाई या मुझे आएगा या समीर भाई को आएगा। ऑल ओवर मैं आपको बता दूं, ये पड़गा में, भिवंडी में ऑल ओवर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है, जहाँ भी बैठे थे कि दवाई मिलती है और वहाँ पे ये मिलेगा। और ये मार्केट में, इस मार्केट में डेढ़ दो साल से कंपनी अवेलेबल है। ठीक है, तो दूसरा कंपनी नहीं है, लाइफ लॉन्ग चलेगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं। इसके बाद ये प्रोडक्ट है अपना ग्रो काफ। ग्रो काफ, ओके। इसका नाम पे मत जाओ, नाम में एक काफ मतलब आपको लगेगा ये कैटल का ये बच्चा, पर वो क्या है, इसमें हम वेट गेनिंग के लिए देते हैं बकरों को। बकरों में वेट गेनिंग का इतना बढ़िया रिजल्ट आया है। पहले हमने ये खाली जो कैटल के बच्चे आते हैं, ये भैंस के बच्चे, उनके लिए प्रोडक्ट निकाला था। पर जैसे नदीम भाई ने यूज़ किया बकरों में वेट गेनिंग के लिए, उनको इतना अच्छा रिजल्ट आया, तो हम अभी सोच रहे भी इसका नाम चेंज कर दे, ग्रो बोट रख दो। हाँ। नहीं, इसके बाद बहुत बढ़िया रिजल्ट आया मैं इसका। मैं भी पर्सनली बोलूंगा समीर भाई, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ये मैंने पर्सनली मेरे जानवर पे, मेरे पलाई के जानवरों पे इसको मैंने अप्लाई किया हूँ, और विद इन 10-15 डेज इसका मेरे को बहुत अच्छा आउटपुट मिला है। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। इंशाल्लाह अपनी पलाई की बनेगी जो, तो रेडी पावर की अपन बात किए थे तो ये भी अपन बताएंगे कि कौन से जानवर पर यूज़ किए थे और क्या रिजल्ट मिला है। इसको कैसे यूज़ करना है, ये भी यही आप इंजेक्शन में डाल के ओरल, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, ओरल ही देना है इसको भी। ठीक है, क्योंकि ओरल में कैसा समीर पर पानी में देने को दे सकते हैं, लेकिन कैसा है कि वो उतना असर नहीं समझता, उतना पूरा कंटेंट और फॉर्मूला पूरा जाए। आप ओरल डायरेक्ट देना प्रशांत सर, अपने को बकरे जब ट्रैवलिंग करके आते हैं या ये फार्म से वो फार्म पे, वो फार्म से ये फार्म पे जाते हैं, बकरे ने अगर ट्रैवलिंग किया 20-25-50-100 किलोमीटर का भी ना, तो वजन तोड़ता है। हाँ। नई जगह पे जाके वो खाना कम कर देता है, वो मुरझा जाता है। जैसे एक परिवार से अलग हुआ बंदा तो कैसा हो जाता है, उस तरीके का जानवरों में भी देखने मिलता है। हाँ। क्योंकि वो भले जानवर है लेकिन उनके अंदर भी दिल है, तो वो थोड़ा डरता है, बीमार होता है, खाना छोड़ देता है, वहाँ का क्लाइमेट सेट नहीं होता तो सर्दी होती है, कोई बकरा की फीट चेंज होती है तो जुलाब भी लूज मौसम में आ जाता है, जुलाब वगैरह मारता है। तो मेन प्रॉब्लम ये 4-5 ही प्रॉब्लम है। बराबर है कि भाई उनको सर्दी होना, बुखार आना, जुलाब होना, बकरे ने खाना पीना छोड़ना, तो उनके लिए ऑल इन वन एक कोई ऐसा प्रोडक्ट है अपने पास जो काम करे, जो लूज मौसम भी रोके, उसकी भूख भी बढ़ाए, पानी की कमी को भी रोक दे उसकी। अभी अपना अपने पास एक ऐसा अपने अच्छा हुआ एक निकाला अपने पास ये है इंजेक्शन में अपना टेक्सेल। अच्छा, सप्रेक्सोन का इंजेक्शन ही है। हाँ। का ये इतना बढ़िया रिजल्ट है इसका, मार्केट में अभी बहुत कंपनी के पास है, मैंने बोलता हमने ही निकाला है, बहुत कंपनी के पास है, पर आप इसको यूज करके देखो। जैसे नदीम भाई ने मैंने ये वापरा हो। हाँ। बोला आपको कैसा लगा, मैंने तो स्टार्ट में बोला कि मैंने एक प्रोडक्ट वापरा हो। हाँ।
चार डोज मैंने चलाया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सिर्फ निमोनिया में काम कर रहा था, क्योंकि बकरी को पीपीआर हुआ था उसमें वो रिकवर हो गई, पीपीआर में, लेकिन लूज मौसम वगैरह में भी काम करता वो मुझे नहीं पता था काम करे। Okay. सही। तो ये तो एक साथ दो प्रोडक्ट के बारे में बात होगी, इसके बाद और इसके बाद ये हमने और एक नया प्रोडक्ट निकला है वो जो तो मिंटा सेफ टाजो टाजो बोल रहे हैं उसके जगह, तो ये सब टैक्सोन प्लस टैजो अपना टेक सेफ टैजो है, ये वन सिंगल डोज है। इसमें कैसा है ये जो अपन ने टैक्स दिया, चार पांच बन जाएगा। हां हां, बड़ा जानवर है तो चार बनेंगे, छोटा जानवर ये खास छोटे जानवर वन सिंगल शॉट है। इसकी क्या एमआरपी है? इसकी एमआरपी है अपना 84 रुपीज सॉरी। हाँ तो मिल जाएगा, 84 रुपीज कम में मिलेगा, दूसरों कम में मिलेगा। अच्छा, ताजो कितने का था? बोल रहा हूँ कम में मिलेगा। मार्केट ताजो कितने का था वो समझो ना, वो भी इससे है ना, एमआरपी तो सेम ही है, लेकिन वो जितने में आता है उससे मेरे ख्याल से 10 रुपया कम में ही होगा ये। ओके, 10 से 15 रुपए कम ही है। सही है, और काम ताजो का करेगा, टैजो ही है उसमें। अच्छा, हाँ, फॉर्मूला पूरा सेम ही है, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला वो दोनों का सेम ही है, बस ये है कि रिजल्ट का नाम अलग है, बेस्ट है या बेटर है, वो नहीं बात है बस। ठीक है, इसके कम दाम में अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। हमारा कंपनी का मोटो ही फार्मर का भला हो और फार्मर को कम दाम में ट्रेडर अच्छा का होना चाहिए। ट्रेडर का भी फार्मर तो क्या साल भर पाल के बेचता, कहीं ना कहीं कमाई लेता है फार्मर का, आता है देख रहे क्या उसका जानवर अच्छा हो के जल्दी बिक जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। भला होगा और ट्रेडर का भी भला होगा, नहीं नहीं सब में सबका भला होगा इंशाल्लाह। ठीक है, दूसरा कौन सा दिखाएंगे? दूसरा हमने ये टेकफर और मतलब ये हम प्राइमरी स्टेज पे दे सकते हैं, टेक से हम प्राइमरी स्टेज पे दे सकते हैं, और ये जो टेकफर है जिससे कंडीशन जरा क्रिटिकल हो गए तो हम ये टेकफर देंगे न्यूमोनिया कंडीशन में। ओके, ये है टैगफर, थोड़ा एक बार हाथ में उठाना वापस से। ठीक है, दूसरा दिखा दो, इसके अंदर ये है। ठीक है, ऐसा आएगा इसके अंदर। हाँ, ठीक है, और ये मिक्स करना है। ओके, वो अलग है, ये अलग मिक्स करना है। हाँ, ये दोनों मिक्स, दूसरा है अपना इन्फ्लाटेक एयर। ओके, इसका बॉक्स दिखाना एक बार। इसमें फ्लूनिक्सिन मैग्लोमाइन करके कंटेन आता है। ओके, मैग्लोडाइन का काम ये कर रहा है। हां, बराबर बराबर, पेन वगैरह में असरदार है, तीन दिन में जानवर फ्रेश हो जाता है। सही है, और क्या बचा अभी इसके बाद? इसके बाद अपना एक ये रेड टेक तो बता दिए ना, ये हो गया, ये बचा ये वाला। हाँ, ये ग्लू टेक। ये क्या है? ग्लू टेक अपना एनर्जी टॉनिक है, एनर्जी बढ़ाने के लिए। ये बूस्टर जैसा है समीर भाई। अच्छा, मतलब ये जैसे कोई बकरा वीक लग रहा है तो उसको वीकनेस जाने के लिए, जैसे एनर्जी बढ़ाने के लिए, गर्मी का सीजन है, बकरा डिहाइड्रेट हो गया है, तो इंस्टेंट जैसे ये दे दिए तो वो बूस्ट कर देगा, बूस्ट, हाँ, एनर्जी बूस्ट करने का काम ये ग्लू टेक तुम्हारे काम की चीज है, और ये रेडी पावर तुम्हारे काम की चीज है, और तुम्हारे काम की चीज क्या ये दो अभी लेकर चले आते हैं अपन ट्रायल मारेंगे। इसमें अभी इसमें भी हमने स्पेशलिटी डाला है, सही है, इसमें भी हमने एक स्पेशलिटी डाला है। हाँ, अभी मार्केट में देखो जो भी एनर्जी बूस्टर है, एनर्जी टॉनिक है, उसका पैलेटेबिलिटी का इशू आता है, खाते नहीं जानवर, तो इसमें हमने शहद डाला है। शेड डालने से क्या होता है, पैलेटेबल का इशू कम हो जाता है, ज्यादा पैलेटेबल हो जाता है, मजा आता है खाने में, मजा आता है, टेस्टी आती है, टेस्टी उसको टेस्ट लगता है। हाँ, सामने दिया है। अच्छा, कंटेंट दिया हुआ है सब। हाँ, ओके, फोटो के साथ है। हाँ, सही है, तो एकदम गाय भैंस खींच के ले रही है, देखो। हाँ, मांग रही है, चाहिए मेरे को, शेद तो सबको चाहिए। सही है, तो पूरे प्रोडक्ट कंप्लीट हो गए अपने, कंप्लीट हो गए। अब रेट वाइज हम लोग बात करेंगे, तो पूरे मार्केट में जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। हाँ, इस कैटेगरी में। यस, उससे अपना रेट
रेट कम ही मिलेगा, कम ही मिलेगा। हाँ। और हर जगह ये चीज अवेलेबल मिलेगी, अवेलेबल है पड़गा में, भिवंडी में और जहाँ भी ये जैसे पड़गा, भिवंडी, कल्याण और रायगढ़ में भी अपना अवेलेबल है, नासिक में अवेलेबल है। ओके। हाँ। गुजरात में भी है, गुजरात में भी है अपना। ओके ओके। हाँ। सब जगह पे जहाँ पे भी जानवरों की दवाएं अवेलेबल है वहाँ पे ये ब्रांड आपको मिल जाएगा। जब किसी को चाहिए उसके एरिया में नहीं मिल रहा तो भी हम मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम उसको ये प्रोवाइड कर देंगे। प्रोवाइड कर दे। हाँ। और क्या नाम से अपनी कंपनी का ये नाम? प्रोटेक्ट। नाम है अपना प्रोटेक्ट एनिमल। अगर जाके प्रोटेक्ट के ब्रांड, प्रोटेक्ट ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट मांगेगा तो भी हमारी वेबसाइट भी है प्रोटेक्ट एनिमल हेल्थ करके, वहाँ पे भी आपने इंक्वायरी कर दी तो भी आपको ये प्रोवाइड होगा, वहाँ पे भी मिल जाएगा। और मेडिकल पे जाके अगर आपको बताना है कि भाई कौन से ब्रांड की दवा चाहिए तो प्रोटेक्ट नाम लेकर आप बोलोगे प्रोटेक्ट क्या मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, चाहिए बराबर, तो इंशाल्लाह आपको इजीली मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। आपको ये फोटो ना ये सब नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी, आपको बताना है कि भाई मैं प्रोटेक्ट कंपनी से मेरे को ये चाहिए, जो जो प्रोडक्ट अभी अपन ने, इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट है जो अभी अपन नहीं दिखाए और आने वाले टाइम पे? हाँ, वो मैं यही बात कर रहा था। हाँ। इस जैसे भाई ने बताया एक जो दवाई है सभी के लिए काम करती, जैसे ओरली में हम लाने वाले हैं उसका नाम अभी मैं रिवील नहीं कर सकता, पर ऐसी दवाई है जो मार्केट में तबाही मचा देगी। क्या बात कर रहे हैं। हाँ, माशाल्लाह, होना चाहिए। कोई ब्रांडेड से ब्रांडेड कंपनी में ऐसी दवाई नहीं है ना प्रशांत सर, जानवर को भी जैसे अपने डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होते हैं, अपने को एक इंजेक्शन समझ में आता है कि भाई एक मार दे चल। हाँ। लेकिन जब वो तीन इंजेक्शन मारता है ना तो अपने मुंह से पूछना कुछ निकलता क्या है यार, डॉक्टर ने क्या तीन तीन इंजेक्शन दे रहा है। तो जब बकरों को भी चार चार इंजेक्शन, तीन तीन इंजेक्शन लगते हैं ना, तो 24 घंटे तक उनको दर्द होता है, दर्द रहता है बराबर। तो अगर ओरल में अगर कोई एक वन बोलते ना एक आइटम और सॉल्यूशन पूरा हो जाए बराबर है तो आप बकरे उतने दर्द से दूर रहेंगे। एक तो बीमारी से टूटा हुआ है। हाँ। उसके पेट में कुछ खाना नहीं है, उसको तीन इंजेक्शन जा रहे हैं तो बकरा की हालत और खराब होती है। मैं आपको बता दूं भाई, हमने R&D रिपोर्ट मतलब R&D में हमने कुछ ट्राई किए है, इतने बढ़िया रिजल्ट आए हैं क्या बताओ आपको। खाली अभी मैं रिवील नहीं करना चाहता, अब पहला जब लॉन्च करेंगे ना पहला हम नदीम भाई को और आपको देंगे, आप रिजल्ट लेना और फिर हम उसका फिर बाद में उसका स्पेशल वीडियो बनाएंगे। हाँ, क्या होता है ना जानवर जो है समझो बकरे, अपने बकरे का व्यापार कर रहे हैं, काट के खाने वाली आइटम है लोगों के लिए, लेकिन हम लोग उसको पाल रहे हैं बराबर, तो हमारे जो इमोशन है ना उससे अलग जुड़े हुए हैं। वो तो है। बकरी ईद में जब वो कटेगा तब वो कुर्बानी खुशी से कटेगी। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन जब वो इस टाइम पे बीमार होगा बिना टाइम टेबल का और इतनी दवा करने के बाद भी जब अच्छा नहीं होगा और उसको जब काटना पड़ेगा या मर जाएगा तो दुख ज्यादा होगा। हाँ। तो उसी के लिए अपन खोज करते रहते हैं कि बाजार में क्या नई आइटम आई जो बकरों को कम दे और जल्दी अच्छे हो जाए। मैं अभी एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, ये आइटम, ये जो दवाई है जो टॉनिक है 15 से 20 दिनों में मार्केट में आ जाएगी। जैसे ही लॉन्च होती है मैं नदीम भाई को और आपको प्रोवाइड कर दूंगा और फिर से हम स्पेशल उसका वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाएंगे। हाँ। ठीक है, सो इसी के साथ ये वीडियो क्लोज करते हैं। यस, है ना, उम्मीद है। हाँ। ये वीडियो बनाने का मकसद मैं बता दूं क्योंकि मेरे फार्म पे बनती है ये कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कंपनी को, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि अच्छे प्रोडक्ट्स है, कन्वीनियंट रेंज में, कम कॉस्टिंग में है, रिजल्ट अच्छा है, तो सिर्फ लोगों को, क्योंकि कुछ नए फार्मर्स होते हैं, पुरानों को तो ठीक है बहुत लर्निंग है, बहुत चीज़ें मालूम है तो बहुत सारी कर लेते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं समीर भाई, अपन भी तो नए थे ना एक टाइम में, अपने को भी ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ी थी, तो अपन भी कोशिश में कि कोई एक बंदा अगर ये अपनी वीडियो देख के कोई एक जानवर बचा लेगा तो अपने को ही अच्छा लगेगा। सही बात है ना, तो वही एक मकसद है बस, उसी लिए ये वीडियो। अच्छी चीज़ वापरो, जानवरों को अच्छा खाना दो, दवाई अच्छी वापरो, पलाई थोड़ी हिसाब से लो, हिसाब से। ठीक है, तो ये वीडियो क्लोज कर दे, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।